हेलो फ्रेंड, आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। कई दिनों बाद तबीयत सही नहीं होने के कारण डेली एम्स की सीरीज नहीं हो पा रही थी, तब फिर से कंटिन्यू हो रही है डेली एम्स की सीरीज। और स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना था कि 1 अक्टूबर से UPPCL की न्यू बैच स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ऑनलाइन भी स्टार्ट होंगी पेड कोर्स वालों के लिए। ठीक है, जो पेड कोर्स होंगे उनके लिए लाइव क्लासेस दी जाएंगी, किधर क्लासरूम से स्ट्रीमिंग होंगी उसकी। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो पेड कोर्स के लिए वो कर सकते हैं। डेमो आपको दिया जा चुका है 2-3 दिन का। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इंटरेस्टेड होंगे वो क्या करेंगे, ऑफिशियल से या फिर ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। सही है, तो चलिए MCQ सीरीज हम लोग स्टार्ट करें। इसमें से आज उसकी एक नई कड़ी जोड़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। इसमें लास्ट में बाबू आपको थोड़े इंटरेस्टिंग या फिर सरप्राइज एलिमेंट मिलेंगे। वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो बच्चे दिखते हैं इसको ना के बराबर समझते हैं, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, मगर उसका भी इंपॉर्टेंस उतना ही जितना इसका है। ठीक है, और वो आपके क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित होता है जो सरप्राइजिंग एलिमेंट आज का है हम लोग आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको लास्ट में आप लोग को पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि आर्मेचर को स्लिपिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्लिपिंग से जोड़ दिया जाए, स्लिपिंग से जोड़ दिया जाए यानी इंडक्शन मोटर यानी एसी की बात हो रही है। ठीक है, तो यदि आर्मेचर को स्लिपिंग से जोड़ दिया जाए तो इसके आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, अल्टरनेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट, ऑसिलेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट। इसका सही सीधा आंसर है बाबू, अगर इसको हम ऑसिलेटिंग से जोड़ स्लिपिंग से जोड़ दिया जाए तो इसकी जो आउटपुट करंट होगी वो क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी। क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट है। याद रखना है, अगर कम्यूटेटर से जोड़ने की बात करता पहले तो ये देखो, यहाँ पे एक बार दिया है आर्मेचर से बात करता है। ठीक है, ना डीसी बोला है, अरे सॉरी, ना जनरेटर बोला है, ना मोटर बोला है। ठीक है, इसको नॉर्मल लेके चलेंगे कि स्लिपिंग अधिकतर किस लिए प्रयोग करते हैं, तो स्लिपिंग हम डायरेक्ट बात इसलिए कि जो एसी में जनरेट हुआ है वो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाए, बाहर मिल जाए, यानी अधिकतर एसी मोटर की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटर डीसी मोटर में प्रयोग होता है, स्लिपिंग एसी मोटर में प्रयोग होता है। खासकर ये सवाल पूछता है तो यहाँ पर रखना है कि स्लिपिंग का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि जो इनपुट में यानी जो आर्मेचर में हमको एसी करंट मिल रहा है वो डायरेक्ट हमको बाहर मिल जाए, इसमें कम्यूटेटर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कम्यूटेटर का प्रयोग होता तो एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलता है, यानी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में जरूर बदलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए स्लिपिंग की सीधी बात क्या है, वहाँ पर अल्टरनेटिंग करें हो जाएगा। ठीक है, एक स्लिपिंग तो क्वेश्चन क्या आया तो है इंपॉर्टेंट, उसको बता देते हैं। पूछता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग का प्रयोग होता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें 3 फेज होते हैं R, Y, B, इसलिए 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर यही अल्टरनेटर में बोलता या फिर सिंक्रोनस मोटर में बात करता तो उसमें हम 2 स्लिप रिंग की बात करते हैं। 2 स्लिप रिंग क्यों होता है बाबू, क्योंकि जो रोटर में होता है जो डीसी एक्साइटेशन देते हैं उसी के लिए हम क्या करते हैं, केवल और केवल 2 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं जो रोटर से कनेक्टेड होता है, इसलिए 2 स्लिप का प्रयोग वहाँ करते हैं। और अगर इंडक्शन मोटर की बात करता है स्लिप रिंग की तो 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, और स्क्वायर केज में 1 भी स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किटेड होता है वो। ठीक है, मतलब उसमें रॉड लगे होते हैं, कॉपर की बाइंडिंग ये सब नहीं होती है, आर्मेचर बाइंडिंग ये सब नहीं होती, इसलिए उसमें स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी हिसाब से अगर स्लिप रिंग की बात किया तो इसलिए लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमको क्या मिल जाए, अल्टरनेटिंग करंट बाहर मिल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा है द वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज सेड टू बी फुल पिच वाइंडिंग, यानी डीसी मशीन की वाइंडिंग को पूर्ण वाइंडिंग कब कहलाती है। तुमको याद है बाबू कई टाइप के वाइंडिंग होती है, पहला शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो जब फुल पिच वाइंडिंग की पहले देख लेते हैं, तो जो फुल पिच वाइंडिंग होता है वो क्या होता है, जब वाइंडिंग पिच पोल पिच के बराबर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या फिर फुल पिच वाइंडिंग कब कहते हैं कि जब वाइंडिंग पिच 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग कब होती है, जब पिच वाइंडिंग 1 हो जाए या फिर क्या हो जाए, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस हो जाए।
ठीक है, यानी स्थानांतरण 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो जाए तब भी ये फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग कब कहलाती है? जब ये क्या हो, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कब कहलाती है? जब इसका मान एक से कम हो, एक से कम हो या 180 डिग्री से कम हो, तब ये क्या कहलाती है? शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में होता क्या है, देखो EMF कम जनरेट होता है, EMF कम जनरेट होता है क्योंकि इसमें लगने वाले कंडक्टरों की संख्या कम हो जाती है, तो टर्न भी कम हो जाएंगे। जब टर्न कम हो जाएगा तो EMF इंड्यूस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ये यूज़ होता है। मगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, हारमोनिक्स कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा क्या होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ही होता है। मगर एक क्या डिसएडवांटेज है कि EMF कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुल पिच वाइंडिंग कब हो जाती है? जब वाइंडिंग पिच पोल पिच के बराबर हो जाए, या फिर उसका मान एक हो जाए, या फिर 180 डिग्री स्थानांतरित हो जाए। और शॉर्ट पिच तो बता ही दूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, सारे कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखो यदि विद्युत प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के फेज बाहर हैं, 90 डिग्री बाहर है, तो पावर क्या होगी? तुमको पता है बाबू कि 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट करंट और वोल्टेज के बीच में केवल दो केस में होंगे, या तो प्योर इंडक्टिव हो या प्योर कैपेसिटिव हो। ठीक है, यानी आई यहाँ पर लेना चाहें तो आई सीरीज़ की बात करें ना, सीरीज सर्किट की बात करें, इसलिए रेफरेंस में आई लिए, क्योंकि दोनों एल हो चाहे सी हो, हमेशा आई या फिर आर हो सी हो या आर हो एल हो, आई हमेशा दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, इसलिए आई रेफरेंस लिए हैं और वोल्टेज यहाँ पे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। और हमको पता है बाबू कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान जीरो होता है। ठीक है, कॉस 90 का मान जीरो होता है, ये भी जानते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि बाबू पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई। अब ये कॉस फाई का मान अगर जीरो होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था, तो कॉस जीरो मरा, कॉस 90 का मान जीरो हो गया, तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वो इंडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि एल और सी कोई भी सर्किट हो, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव या प्योरली रेसिस्टिव, सॉरी प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में यही होता है कि पावर क्या रहती है, शून्य हो जाती है। देखो कौन सी पावर की बात कर रहे हैं, इसमें केवल किस पावर की बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है एक्टिव पावर बाबू, एक्टिव पावर की बात हो रही है। याद रखना एक्टिव पावर हमेशा शून्य होता है, रिएक्टिव पावर शून्य नहीं होते, या फिर अपेरेंट पावर शून्य नहीं होते, केवल और केवल एक्टिव पावर शून्य होता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, GI वायर क्या होते हैं, स्ट्रे तारों के भांति कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन गलत है। दूसरा नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी आघात परिवर्तनीय होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, उस पर आघात पड़ने पे वो चेंजेबल हो जाते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज अल्मीनियम वायर नहीं होते हैं, इस तरह प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका, गलत है ये, समझ में आया, क्योंकि गैल्वेनाइज अल्मीनियम वायर नहीं होते, गैल्वेनाइज आयरन वायर होते हैं, यानी स्टील वायर होते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज आयरन बोला जाता है, यानी ये भी गलत हो गया, अल्मीनियम वायर तो है नहीं। ये देखो सही है, गैल्वेनाइजेशन इसीलिए करते हैं कि करोजन ना हो उस पर, गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं हम अधिकतर, कि उस पर करोजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे करोजन फ्री सही हो जाएगा, पहला तो गलत है क्योंकि स्टील वायर के रूप में प्रयोग करते हैं, नॉन बिलीवेबल नहीं है, एकदम गलत है, आघात परिवर्तन में होता है। अल्मीनियम की गैल्वेनाइजेशन नहीं करते हैं वो, आयरन की करते हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो गए। लास्ट ऑप्शन सही है, करोजन फ्री, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी एक तरीके से जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसीलिए जिंक की परत चढ़ाते हैं कि उसमें करोजन कम हो। ठीक है बाबू, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, आदर्श डायोड का समकक्ष परिपथ, यानी आइडियल डायोड का, देखो आइडियल डायोड की बात कर रहा है, समकक्ष परिपथ मतलब कि आइडियल डायोड अधिकतर जो परिपथ में प्रयोग किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो डायोड होता है, या नॉर्मल डायोड बोले या आदर्श डायोड बोले, इसका प्रयोग अधिकतर हम बस स्विच के रूप में करते हैं, स्विच के रूप में करते हैं, याद रखना, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे NCL में। ठीक है, कि स्विच के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये बताओ कट ऑफ में कब प्रयोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताओ जब कट ऑफ होता है
तो किस तरह प्रयोग होता है? तो कट ऑफ में ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है, कट ऑफ में ऑफ स्विच की तरह काम करता है, और सेचुरेशन में ये ऑन स्विच की तरह काम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं बाबू, ठीक है, कि अगर कट ऑफ रेंज कट ऑफ में चल रही है तो ऑफ की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि दोनों ही क्या हो जाते हैं, रिवर्स बायस में हो जाते हैं, ठीक है। और सिचुएशन में होता है तो क्या होता है, ये ऑन की तरह हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में, मतलब करंट आसानी से पास हो जाती है, और कट ऑफ में करंट पास नहीं होती, ठीक है। और एक फॉरवर्ड एक रिवर्स होता है, ट्रांजिस्टर केस बता रहे हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स होता है तो एम्पलीफायर की तरह, और एक रिवर्स पहला और दूसरा फॉरवर्ड हो जाता है तो ये इन्वर्टर की तरह काम करने लगता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्विच की भांति हम प्रयोग करते हैं डायोड का अधिकतर परिपथों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किस ओर दर्शाता है, ठीक है। यानी एक ट्रांजिस्टर में जो तीर का प्रतीक है, जो तो जानते ही, पहले तो क्वेश्चन यही पूछता है, बताओ जो एरो दिखाता है वो किस चीज़ को दिखाता है, तो सर वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। तो किस ओर दिखाता है, आधार की तरफ, आधार से संग्राहता की ओर, या एनोड से कैथोड की ओर, या उत्सर्जक की ओर, ठीक है। तुमको पता है वो किस तरफ दिखाता है, एमीटर की तरफ, देखो एमीटर की तरफ, एमीटर अधिकतर क्या होता है, वो एमीटर और बेस के बीच में ही ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, एमीटर और बेस के बीच में ही ड्रॉ किए जाते हैं। तुम जब भी देखोगे ऐसे डायग्राम, जब तुम डायग्राम देखोगे तो अगर ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ठीक है। अगर ये कलेक्टर है तो एरो हमेशा इधर बनता है, ठीक है। ये किस लिए हो जाता है, तो ये बन जाता है एन पी एन ट्रांजिस्टर हो जाता है, और जब ये एरो उल्टा हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है, पी एन पी बन जाता है, ठीक है। तो अधिकतर किसके बीच में, संग्राहकता के बीच में, यानी कलेक्टर के बीच में नहीं दिखाया, किसके बीच में दिखाया, उत्सर्जक यानी जो एमीटर होता है, वहाँ पर अधिकतर जो एमीटर वाला टर्मिनल होता है उस पर हम क्या दिखाते हैं बाबू, एरो दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं, करंट की दिशा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्सर्जक यानी एमीटर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SCR के टर्मिनल होते हैं, SCR के कौन कौन से टर्मिनल होते हैं ये हमको जानना है, ठीक है। एमीटर बेस कलेक्टर, एकदम गलत, क्योंकि ट्रांजिस्टर है। एमीटर कलेक्टर गेट नहीं, एनोड कैथोड नहीं, ठीक है। एनोड कैथोड और ये गेट, ये हमारे क्या होते हैं, SCR के होते हैं, ठीक है। एनोड कैथोड गेट SCR के होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल या फिर यूनिलैटरल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिलैटरल यानी एक दिशा में करंट फ्लो कराता है। तो इनमें एनोड कैथोड और गेट, ये प्रयोग होता है। तो इनमें याद रखना है, एनोड कैथोड और गेट, गेट से हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग देते हैं इसको। तो इनमें टर्न ऑन टर्न ऑफ करने के लिए एनोड कैथोड गेट, यानी SCR को टर्न ऑन करने के लिए गेट का प्रयोग करते हैं, और टर्न ऑफ इससे हो ही नहीं सकता है गेट से कभी भी, इसलिए हम GTO का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम सीरीज में हम बता चुके हैं सीरीज वाले में, इसलिए देख रहे हो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। तो टर्मिनल ऑफ SCR क्या होते हैं, एनोड कैथोड और क्या हो जाएंगे हमारे, गेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट वन लाइनर ही पूछता है उन लोगों में अधिकतर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिपथ में जीनर डायोड सदैव किस तरह जुड़ा रहता है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, पैरेलल और सीरीज में, ठीक है। देखो जीनर डायोड तो अधिकतर जो जुड़ा होता है वो पैरेलल में ही जुड़ा होता है, क्योंकि इसका काम ही होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ठीक है। तो मैक्सिमम केस जो होता है वो पैरेलल में ही जुड़ा होता है, वो कुछ इस तरीके से जुड़ा रहेगा, इधर अगर रेजिस्टर दे दिया, लोड दे दिया, तो कुछ इस तरह ऐसे जीनर यहाँ पे ऐसे जुड़ा रहता है। मगर वो बात की बात है, मगर इस प्रयोग कहाँ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तुम पैरेलल में जोड़ो या ना जोड़ो, ये चीज़ पहले ध्यान दो कि ये हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है, ये भी याद रखना है, क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है, रिवर्स बायस में होता है। इसका काम कैसे करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ठीक है। यानी अब जिस मान कर तुमको वोल्टेज चाहिए, उसके लिए तुम क्या करते हो, उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, क्योंकि जितना ड्रॉप ये कराएगा, जितना पतन कराएगा वोल्टेज का, उतना ही पतन तुमको लोड पे दिखेगा। इसलिए रिवर्स बायस, हाई डोपिंग और पैरेलल में, दूसरी कहानी पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति गुणक संशोधन के लिए संधारित्र को निम्नलिखित
आशंकित किया जाता है, ठीक है, BMRC में पूछा गया है, ठीक है, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो कैपेसिटर को जो पावर होती है वो किस में दिखाया जाता है, किलोवाट एक्टिव पावर, वोल्ट एम्पेयर अपेरेंट पावर, किलो वोल्ट तो वोल्टेज की रेटिंग है, ये जो KVAR है, ठीक है, देखो ये रिएक्टिव पावर दिखाता है, ठीक है, और जो कैपेसिटर होता है वो हमारा रिएक्टिव पावर ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, यानी लैगिंग पावर को एब्जॉर्ब करता है, लीडिंग पावर को ट्रांसफ़र करता है। इसलिए क्या करते हैं, वोल्टेज कैपेसिटर का प्रयोग हम वोल्टेज रेगुलेशन सॉरी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए प्रयोग करते हैं कैपेसिटर का। क्यों? क्योंकि सर ये लैगिंग को एब्जॉर्ब करता है और लीडिंग को ट्रांसफ़र करता है। KVAR, ये KVAR इसी को दिखाता है, रिएक्टिव पावर ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, KVAR याद रखना, ठीक है, वन लाइनर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी इसको मैं अभी फॉलोइंग करना है, सबसे ईजी है और सबसे अगर याद है तो सबसे ईजी है। एक वैसे तो ये तीन क्वेश्चन बन रहा है हम लोग का ना, तीन क्वेश्चन बन रहा है, मगर तीन क्वेश्चन को एक ही में दे दिया। चलो चलो मिलाया जाता है, क्या होता है, ओम का नियम हमको पता है सर जी, नियत ताप और प्रेशर पे, यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को परिवर्तन न करें और बाहरी वायुमंडलीय सारी चीज़ों को अगर कॉन्स्टेंट रखें तो सर जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है, अगर हम लीनियर सर्किट है तो वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी को यानी जो नियतांक है इसको हटाने के लिए हम एक आर का प्रयोग करते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये ओम ला दे दिए, तो पहले तो सही है। न्यूटन का नियम क्या कहता है, न्यूटन का नियम क्या कहता है, F=ma होता है, फोर्स बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर, मास है तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट याद रखना, क्या होता है इसकी यूनिट, मास का क्या हो जाएगा kg, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इस पर डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, क्या पूछता है GS में डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, तो इसका तो ये बता दिए, इसका ये बता दिए, ठीक है। आइंस्टीन का नियम तो तीसरा ही सीधा ही है, E=mc², ये नियम तो बहुत जगह फॉलो होता है, जहाँ पे m क्या है हमारा मास है यानी द्रव्यमान है, और सी क्या है प्रकाश का वेग है, क्या है प्रकाश का वेग है, कौन सी, ठीक है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे मिला लेते हैं क्या होता है, तो पर सी का 3 है, 2 में दिख रहा है, बी का क्या दिया है, 1 दिया है, बी का 1, ए का 2, 3, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, इसको मिलाना है, सही मिला लोगों, सही है, ये चीज़ याद रखनी, ये GS के सारे हैं, ठीक है, बस ये कि इलेक्ट्रिकल का है ना, दोनों ही GS के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है कि ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, 20 एम्पीयर घंटे वाली शीशा संचालित बैटरी सप्लाई कर सकती है, तो याद रखना है 20 एम्पीयर आवर दिया है, देखो 20 दिया है गुड़े, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट और इजी सवाल होता है और पूछा ही जाता है, एम्पियर गुड़े आवर, यानी अगर हम धारा और घंटे को मल्टीप्लाई किए एम्पियर आवर तो किसके बराबर आया है, 20 के बराबर आया है, ऐसे समझ के चलो कि एकदम आसान नहीं होगा, तो इसमें तो कौन सा ऐसा है जो करंट और धारा को मल्टीप्लाई करने पे 20 नहीं आया, तो धारा और करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 20 गुड़े एक करेंगे तो ये सही है, 20 गुड़े एक करेंगे ये भी सही है, 0.1×200 करेंगे तो ये भी सही है, 20 आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसमें नॉट पूछा था, देखो याद रखना है नॉट पूछा था, तो नॉट क्या हो जाएगा यही, क्योंकि सर यहाँ पे 400 आ जा रहा है 20 एम्पियर आवर। देखो एक्चुअली होता क्या है, 1/8 करते हैं, ठीक है, जो भी रिक्टर एम्पियर आवर दी होती है 1/8 कर देते हैं, यानी वो जो 1/8 होता है उतने घंटे वो चलता है, अगर 20 एम्पियर आवर है तो 1/8 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उतने एम्पियर की करंट उतने घंटे तक देगी, ये अधिकतर होता है, समझ में, आज 1/8 रेशियो में चलता है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे क्या दीजिए, ये गलत हो जाएगा, जो कि इसका आंसर यही सही है, 20 आना चाहिए था, 20 तीनों में आ रहा है मगर ए वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से सवाल इस वाले को किया जाता है, वाट आवर भी पूछेगा तो इसी तरह करते हैं, मगर ये क्या है, डीसी सर्किट के लिए या फिर डीसी सोर्स के लिए एम्पियर आवर प्रयोग होता है, और एसी सोर्स के लिए अधिकतर हम वाट आवर का प्रयोग करते हैं, ये बहुत पूछते हैं, जो किलोवाट आवर पढ़ते हो ना ये वाट आवर है, और ये
एम्पियर आवर या किलो एम्पियर आवर या जो भी दे दे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अगर आएगा कभी तो उसका जिक्र कर लिया जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अब देखो तुम लोग के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अब डेली क्या होगा, 4 से 5 तुम लोग को, 10 से 15 तुम्हारे ये रहेंगे टेक्निकल और 4 से 5 क्या रहेगा नॉन टेक रहेगा, जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान करते हैं, नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को। पूछा क्या है, सिखों द्वारा अपनाई जाने वाली 5 केज में से केवल एक ड्रेस है, यानी जो जानते हो कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 5 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी थी। अगर सिख हो तो 5 चीज़ की इम्पोर्टेंस यानी वही तुम्हारी पहचान रहेगी। उसमें पहला क्या था, कड़ा था, ठीक है, कंघा था, कृपाण था और कच्छा था, ठीक है, और एक और था केस, ठीक है, एक और क्या था केस यानी तुम्हारे बाल, कड़ा जो तुम हाथ में पहनते हो, कंघा, ठीक है, कृपाण और कच्छा। तो इसमें पूछा है इसमें से कौन सा एक ड्रेस है, तुमको पता था जी कच्छा क्या है, एक ड्रेस है, ठीक है, 5 दिए थे याद रखना है, कड़ा, कंघा, केस, कृपाण, कच्छा, ठीक है। तो इसमें तो ड्रेस की बात की है तो क्या हो जाए कच्छा। कौन दिए थे, 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ही ये बात कही थी, मतलब तरीके से पत्थर की लकीर साबित की थी, जो हम कहेंगे वही 5 हो वही चीज़ है ये। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला मूल रूप से भारत के किस शहर में से हैं। ठीक है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो सत्या नडेला थे उनको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी हैं अभी फिलहाल, तो ये क्या थे, हैदराबाद के थे, हैदराबाद, ठीक है, किस, इनका जन्म जो हुआ था तेलुगु, ठीक है, तेलुगु बोलने वाली तमिल फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और ये निवासी कहाँ के थे, हैदराबाद के थे, ये चीज़ याद रखना, हैदराबाद के रहने वाले थे, कौन थे, नडेला, ठीक है। चलो ये सब इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि जो करंट में चल रहा होता है उसी का पूछते हैं अधिकतर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। चलो ये है, गूगल के मौजूदा सीईओ सुंदर पिचाई ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से अपनी बीटेक पूर्ण की थी, ठीक है, यानी वो किस संस्थान से उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया था, तो सबसे प्रचलित भी है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने क्या किया था, अपना बीटेक कंप्लीट किया था, और आज कहाँ पे देख लो, इंडियन है तो रहेंगे ऊपर, ठीक है, प्राउड की बात है, कहाँ पे थे, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, वहाँ से उन्होंने अपनी बीटेक की ही थी, कंप्लीट डिग्री ली थी, तो उनमें आए। चलो हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, जैसे भारत क्या है, नई दिल्ली, तो लिबिया क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, तो देखो हमको पता है कि जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है उसी तरह लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, क्या है, त्रिपोली, केन्या की नैरोबी है, ठीक है, तो मैं उसी तरह इसमें वही पूछा है कि अगर भारत का संबंधित नई दिल्ली के किस रूप में है, कैपिटल के रूप में, राजधानी के रूप में, तो लीबिया की क्या हो जाएगी, त्रिपोली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिपोली हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये तुम लोग के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, समझ में आया, तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। देखो फिर से बता दे रहे हैं, ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैच 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, समझ में आया, और ऑनलाइन भी पेड वालों के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है क्योंकि UPSC की वैकेंसी आने वाली है, 1-1 महीने में तुम लोग को नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, तो वैकेंसी आने वाली है, तो जो इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकता है, ऑफिशियली संपर्क करके ज्वाइन हो सकता है, ठीक है, 1 अक्टूबर से सारी डिटेल तुमको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी होगा तुमको दे दी जाएंगी, तो इंटरेस्टेड हो तो जल्दी ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और पसंद आए बाबू इसको, अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में भी इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।